वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे आरएनए एडिटिंग टॉपिक के बारे में। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि आरएनए एडिटिंग क्या होता है, आरएनए एडिटिंग कहाँ होता है, आरएनए एडिटिंग कब होता है, किस टाइप के सेल्स में आरएनए एडिटिंग देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंस क्या होता है आरएनए एडिटिंग का। फिर हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग। फिर हम लोगों ने क्या देखा था मेकानिज्म ऑफ आरएनए एडिटिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग देखा था। उसमें से हम लोगों ने ये देखा था कि आरएनए एडिटिंग का मेनली टू टाइप्स होता है। पहला जो टाइप होता है जिसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आरएनए एडिटिंग बाय डीएमिनेशन मेथड। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और इसको एग्जांपल के साथ समझा था। कौन सा एग्जांपल? हम लोग बोलेंगे एपो बी 100 प्रोटीन एंड हम लोग क्या बोल सकते हैं एपो बी 48 प्रोटीन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बना था, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके इसमें हम लोग ये इसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा था कि कैसे करके एपो बी 100 प्रोटीन एपो बी 48 प्रोटीन क्या चीज में हेल्प कर रहा था। हम लोग बोलेंगे अपना फंक्शंस में हेल्प कर रहा था, या हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे करके आरएनए एडिटिंग हुआ था, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो कि एग्जांपल था साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन का, ठीक है। तो ये पहला टाइप कंप्लीटली खत्म हो गया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे किसका, आरएनए एडिटिंग का। और वो दूसरा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, जीआरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग। जीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड आरएनए, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या होता है गाइड आरएनए, और इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन आरएनए एडिटिंग बाय जीआरएनए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं यूरिडीन इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग बाई गाइड आरएनए या जीआरएनए। मतलब देखो, जो दूसरा जो टाइप होता है ना आरएनए एडिटिंग में, उसमें याद रखना यूरिडीन का क्या होगा, जो टारगेट एमआरएनए रहेगा उसमें क्या रहेगा, या तो इंसर्शन होगा यूरिडीन का, या क्या होगा हम लोग बोलेंगे डिलीशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टारगेट एमआरएनए है उसमें क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो कोडोन का नेचर होगा या न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हमेशा रखिएगा याद, जब भी कभी भी आरएनए एडिटिंग होगा गाइड मेडिएटेड, मतलब जी ये गाइड आरएनए जब भी कभी आरएनए एडिटिंग करेगा ना, तो मान लो ये क्या चीज है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम, ये मान लो कि प्री एमआरएनए है, ठीक है। हम लोग एमआरएनए के एस्पेक्ट में ही क्या पढ़ रहे हैं, ये आरएनए एडिटिंग टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेनली जो आरएनए एडिटिंग का टॉपिक जो दिया हुआ रहता है, वो हम लोग बोलेंगे एमआरएनए के एस्पेक्ट में ही दिया हुआ रहता है। हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं कि आरएनए एडिटिंग जी एमआरएनए में भी होता है, आरआरएनए में भी होता है, टीआरएनए में भी होता है, लेकिन मोस्टली जो आरएनए एडिटिंग होता है वो किस में होता है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में होता है। इसीलिए आप जितना भी बुक्स पढ़िएगा, चाहे वाटसन का बुक पढ़िए मॉलिक्यूलर बायो, चाहे जीन लेविन का बुक पढ़िए, कोई सा भी मॉलिक्यूलर बायो का बुक पढ़िए, आपको आरएनए एडिटिंग किसके एस्पेक्ट में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए या एमआरएनए के एस्पेक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या चीजें, प्री एमआरएनए। और हम लोगों ने हम लोग ये भी जानते हैं कि आरएनए एडिटिंग कब होगा, हम लोग बोलेंगे बिफोर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के पहले क्या होता है, आरएनए एडिटिंग होता है, ठीक है। तो देखो, इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जैसे मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी है, जी है, यू है, ए है, मान लो यहाँ पर क्या चीज है, सी, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक, इसमें प्री एमआरएनए में, ठीक है। तो अब देखो, जब भी कभी भी याद रखना, जब भी कभी भी गाइड आरएनए मेडिएटेड ये होगा ना, गाइड आरएनए मेडिएटेड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होगा ना, मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग अगर होगा, तो याद रखना है कि उसमें ये जो टारगेट जो प्री एमआरएनए है, ठीक है, टारगेट जो एमआरएनए या प्री एमआरएनए है ना, यही है ना, ये टारगेट प्री एमआरएनए में क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या किया जाएगा, या तो यूरिडीन का क्या होगा, इंसर्शन होगा, या क्या होगा, डिलीशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जब भी कभी भी गाइड मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग होगा, तो ये जो टारगेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टारगेट आरएनए भी बोल सकते हैं, टारगेट आरएनए भी बोल सकते हैं, या प्री एमआरएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट आरएनए में याद रखना, हमेशा एडिशन और डिलीशन होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ पर ए है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, हो सकता है यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यू आ गया, मतलब क्या हुआ, यूरिडीन का क्या हुआ, इंसर्शन हुआ या एडिशन हुआ। बाकी सारा का सारा सीक्वेंस देखो यहाँ पर क्या है, एज इट इज है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, यही है ना, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इंसर्शन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन, ठीक है। ये एक हो सकता है इंसर्शन होगा यूरिडीन का,
जो कि क्या होगा, गाइड आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग होगा। मतलब ये टारगेट एमआरएनए में इंसर्शन जो हो रहा है यूरिडीन बेस का, वो किसकी वजह से हो रहा है, गाइड आरएनए की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा देख सकते हैं, दूसरा एस्पेक्ट मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इस तरफ दिखा रहा हूं, ये टारगेट जो एमआरएनए है या प्री एमआरएनए है, देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा या तो यूरिडीन का क्या होगा डिलीशन होगा, यूरिडीन का क्या होगा हम लोग बोलेंगे डिलीशन होगा, और वो कौन कराएगा हम लोग बोलेंगे जीआरएनए ही तो कराएगा ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला यूरिडीन है ना, तो यहाँ पर सीक्वेंस देखो, ठीक है ये ए है, फिर क्या सी है, फिर क्या जी है, यहाँ पर क्या हो गया यूरिडीन डिलीट हो गया, ठीक है डिलीशन हो गया, फिर क्या आएगा सी आएगा, जी होगा, यू होगा, ए होगा, सी होगा। ठीक है, इसका मतलब देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या होगा एक यूरिडीन क्या हो गया हम लोग बोलेंगे डिलीट हो गया। ठीक है, तब आप देखिए ध्यान से, ये जो अब देखो, अब जो एडिटेड एमआरएनए है, देखो ध्यान से, एडिटेड एमआरएनए जो है ना, ठीक है, एडिटेड एमआरएनए जो है वो एडिटेड एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो बिल्कुल चेंज रहेगा। देख सकते हैं ये जो टारगेट आरएनए या हम लोग बोलेंगे अनएडिटेड जो अनएडिटेड जो एमआरएनए है या सिंपल आरएनए भी बोल सकते हैं, इसमें देखो ध्यान से, इसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखो, और हम लोग बोलेंगे आफ्टर एडिटिंग, एडिटिंग के बाद देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ है यूरिडीन का इंसर्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ हम लोग बोलेंगे यूरिडीन का डिलीशन हुआ है। तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये जो अनएडिटेड एमआरएनए है, टारगेट जो एमआरएनए है उसमें यूरिडीन के डिलीशन से और यूरिडीन के इंसर्शन से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ गया, तो क्या इसका होगा फायदा, इसका फायदा ये होगा कि देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, ठीक है ए यू जी, ठीक है ये तीन हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, हम लोग बोलते हैं एक कोडोन, फिर अगला तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे सेकंड कोडोन, इसको क्या बोलेंगे थर्ड कोडोन, और ये देखो यहाँ पर यूरिडीन इंसर्ट हुआ ना, तो ये मान लो अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा, मान लो एमिनो एसिड 1 है, ये अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा एमिनो एसिड 2 है, ये मान लो एमिनो एसिड 10 को कोड करेगा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटीन का नेचर क्या होगा बिल्कुल चेंज होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये तीन देखो ध्यान से, ये सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे एक कोडोन। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर एडिटिंग ए सी जी देख सकते हैं क्या चीज है कोडोन है, यहाँ पर आफ्टर एडिटिंग ए यू जी क्या चीज है कोडोन है, तो ये दूसरा कोड ये क्या क्या करेगा ए सी जी दूसरा एमिनो एसिड को कोड करेगा, मान लो एमिनो एसिड 8 को कोड कर रहा है मान लो, ठीक है सी यू जी क्या कर रहा है एमिनो एसिड मान लो 19 को कोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिटिंग के बाद जो आरएनए बना, ठीक है एडिटिंग के बाद जी आरएनए मेडिटेड एडिटिंग के बाद जो आरएनए बना, वो आरएनए में देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो चेंज हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कोडोन का नेचर भी चेंज हो गया, और हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का नेचर भी चेंज हो गया, देख सकते हैं आप, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रोटीन रहेगा वो प्रोटीन कुछ अलग होगा, यहाँ पर जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन कुछ अलग होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जो यही हम लोग को पढ़ना है कि जो एडिशन और डिलीशन जो हो रहा है यूरिडीन का, ठीक है वो जी आर एन ए कैसे करके कर रहा है, यही दूसरा टाइप है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो प्री एम आर एन ए है ना, ये अनएडिटेड प्री एम आर एन ए, तो इसमें जो कोडोन होगा ए सी जी ये पहला कोडोन होगा, यू सी जी दूसरा कोडोन, यू ए सी तीसरा कोडोन होगा ना, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोडोन 1 है, कोडोन 2 है, कोडोन 3 है, लेकिन एडिशन और डिलीशन ऑफ यूरिडीन की वजह से देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है, कोडोन का नेचर चेंज हो गया। देखो यहाँ पर ये ए सी जी है ना, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग बोलेंगे ए यू जी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए सी जी है ना, यहाँ पर ए सी जी है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो अगला कोडोन यू सी जी है ना, यहाँ पर देखो कोडोन का नेचर चेंज हो गया सी यू सी जी यू, यहाँ पर भी देखो कोडोन का नेचर चेंज हो गया क्या चीज है जी यू सी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये गाइड आरएनए क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए को या अनएडिटेड एमआरएनए को क्या कर रहा है, एडिट कर दे रहा है बाय इंसर्शन ऑफ यूरिडीन और हम लोग बोलेंगे बाय डिलीशन ऑफ यूरिडीन, जिसकी वजह से एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो रहा है, एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो रहा है, तो बट ओब्वियस प्रोटीन्स का भी क्या होगा नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, यही हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी जी आर एन ए मेडिटेड आर एन ए एडिटिंग होगा तो ये तीन चीज हमेशा होगा। ठीक है, ये तीन चीज हमेशा होगा क्या क्या, तो पहला बोलेंगे देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, पहला क्या पॉइंट है, रीडिंग फ्रेम इज चेंज। ठीक है, रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या चीज है, देखो अनएडिटेड जो एम आर एन ए उसमें रीडिंग फ्रेम का मतलब हो गया, ये जो न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड ना उसी को बोलते हैं रीडिंग फ्रेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अनएडिटेड एमआरएनए में देखो जो रीडिंग फ्रेम है, ठीक है जो कोडोन है
ACG, UCG और क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे UAC, यही रीडिंग फ्रेम है ना, हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, ACG, UCG और क्या चीज़ है UAC है, ये रीडिंग फ्रेम है। लेकिन आफ्टर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आफ्टर एडिटिंग बाय GRNA, ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन मेथड से, तो रीडिंग फ्रेम देखो चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ACG है ना, यहाँ पर भी देखो ACG है, उसके बाद पढ़ो यहाँ पर क्या चीज है UCG है ना, यहाँ पर क्या है, देखो रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया ना, क्या चीज है CGU है, देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो जो एडिटेड mRNA उसमें रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया होगा, देखो यहाँ अनएडिटेड में क्या है ACG है ना, यहाँ पर देखो AUC है, बिल्कुल चेंज हो गया, UCG है ना, यहाँ पर देखो GUC है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि याद रखना इंसर्शन और डिलीशन होने से क्या होता है, कंप्लीटली जो रीडिंग फ्रेम होता है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेम शिफ्ट होगा। फ्रेम शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, ये देखो ये जितना यहाँ पर देखो ये जो जितना भी न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है ना ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये क्या चीज यहाँ से आता है कि एक फ्रेम है, देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल अनएडिटेड mRNA है ना, आफ्टर हम लोग बोलेंगे एडिटिंग, ठीक है, यूरिडीन डिलीशन ये बना, यूरिडीन एडिशन ये बना, एडिटेड mRNA, ठीक है, तो ये फ्रेम देखो ध्यान से शिफ्ट हो गया, मतलब ये फ्रेम चेंज हो गया, देखो ध्यान से कैसे, ये वाला फ्रेम देखो ACG UCG UAC है ना ये फ्रेम। अब यहाँ पर देखो आफ्टर एडिटिंग क्या हो गया, देखो ध्यान से AUC हो गया, देख सकते हैं GUC हो गया, GUA हो गया, C हो गया, देखो ये फ्रेम और ये फ्रेम को मैच करो, ठीक है, ये फ्रेम बिल्कुल चेंज हो गया है आफ्टर एडिटिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो फ्रेम बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पर देखो ACG है ना, ACG उसके बाद क्या है, देखो ध्यान से UCG है ना, यहाँ पर देखो फ्रेम चेंज हो गया CGUAC, ठीक है, इसका मतलब ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है आफ्टर एडिटिंग बाय GRNA, क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, मेडिएटेड RNA एडिटिंग, ठीक है, याद रखना इसका मतलब फ्रेम शिफ्ट भी होगा, फ्रेम क्या होगा, कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, फ्रेम कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। कोडोन का नेचर भी चेंज हो गया, देखो ध्यान से कोडोन नेचर ऑल्सो चेंजेस, नॉर्मल जो mRNA है देख सकते हैं अनएडिटेड mRNA उसमें देखो कोडोन ACG है, UCG है, UAC है, यही कोडोन है ना, आफ्टर देखो आफ्टर क्या हम लोग बोल सकते हैं एडिटिंग, ठीक है, यूरिडीन डिलीशन और यूरिडीन एडिशन बाय GRNA, देखो फ्रेम ये कोडोन चेंज हो जाएगा, देखो ACG है ना, यहाँ पर भी ACG, अब देखो यहाँ पर CGU है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है UCG, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कोडोन का नेचर चेंज हो गया, उसके बाद देख सकते हैं फिर से कोडोन यहाँ पर और एक तो फिर ये कोडोन चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब तो कोडोन का नेचर चेंज होगा। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो ये एडिटेड जो mRNA उसका उसमें भी कोडोन चेंज हो गया, देख सकते हैं अनएडिटेड में क्या है ACG है ना, एडिटेड में क्या है AUG है, कोडोन का नेचर चेंज हो गया, उसके बाद क्या है अनएडिटेड में UCG है ना, यहाँ पर देखो एडिटेड में क्या है GUC है, मतलब कोडोन का नेचर भी क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब याद रखना कि जब भी कभी भी हम लोग बोलेंगे ये GRNA मेडिटेड RNA एडिटिंग होगा ना, उसमें क्या होगा इंसर्शन होगा यूरिडीन का या हम लोग बोलेंगे डिलीशन होगा यूरिडीन का, जिसकी वजह से RNA क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा हम RNA में mRNA में एडिटिंग होगा, और जो एडिटेड mRNA बनेगा, ठीक है, जो एडिटेड mRNA बनेगा वो एडिटेड mRNA में याद रखना हमेशा क्या होगा रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, फ्रेम शिफ्ट होगा, और हम लोग बोलेंगे कोडोन का नेचर भी चेंज होगा, ठीक है, या हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि GRNA मेडिएटेड RNA एडिटिंग में रीडिंग फ्रेम हमेशा चेंज होगा, फ्रेम शिफ्ट हमेशा होगा, और कोडोन का नेचर भी क्या होगा चेंज होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। सिमिलरली हम लोग इससे पहले क्या देखे थे बेस मॉडिफिकेशन में, क्या देखे थे बेस मॉडिफिकेशन डीएमिनेशन में, हम लोग क्या देखे थे याद कीजिए, उसमें हम लोग देखे थे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे, अब देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में कि रीडिंग फ्रेम ये रीडिंग फ्रेम क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे चेंज नहीं हुआ था, फ्रेम शिफ्ट भी नहीं हुआ था, केवल क्या हुआ था हम लोग बोलेंगे कोडोन का नेचर चेंज हुआ था, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर जाके मैंने बताया, ठीक है, ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखिए RNA एडिटिंग का, आपको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये खता ये हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे GRNA मेडिटेड एडिटिंग का। तो हम लोग यहाँ पर से क्या समझते हैं, हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि GRNA मेडिटेड RNA एडिटिंग में क्या होगा, या तो एडिशन होगा यूरिडीन का या हम लोग बोलेंगे डिलीशन होगा यूरिडीन का, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा जो mRNA होगा प्री mRNA होगा टारगेट mRNA होगा वो क्या हो जाएगा उसमें एडिटिंग होगा, और ये एडिटिंग को कराने के लिए क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे GRNA चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये GRNA कैसे करके यहाँ पर ये करा रहा है, क्या बोलते हैं GRNA मेडिटेड RNA एडिटिंग करा रहा है, ठीक है, हम लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जानना होगा, उसको समझने से पहले ये जानना होगा ये जो GRNA है ना गाइड RNA, ठीक है, ये GRNA का क्या कॉन्सेप्ट है, GRNA क्या होता है, ठीक है, ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या कराता है
एडिटिंग कराता है आरएनए एडिटिंग, तो उससे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, जीआरएनए का कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है क्या चीज, जीआरएनए के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जीआरएनए के बारे में बताता हूँ, उसके बाद जो भी मैं बताऊंगा उसको कोरिलेट करूंगा क्या चीज में हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग में, कि कैसे करके जीआरएनए क्या कर रहा है, आरएनए एडिटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है जीआरएनए का मतलब हो गया गाइड आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये है कि गाइड आरएनए को हम लोग ये जीआरएनए को हम लोग गाइड आरएनए क्यों बोलते हैं, जीआरएनए को हम लोग गाइड आरएनए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या चीज में हेल्प कराता है, हम लोग बोलेंगे बिकॉज इट गाइड्स द आरएनए एडिटिंग प्रोसेस। मतलब ये क्या कराता है, आरएनए एडिटिंग प्रोसेस को गाइड करता है, इसीलिए ऐसे आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जीआरएनए बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो देखो ध्यान से यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीआरएनए का क्या चीज है, स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3' एंड होगा, एक तरफ क्या होगा 5' एंड होगा, ठीक है। तो ये जो जीआरएनए है, याद रखना है ये जो जीआरएनए है इसको गाइड आरएनए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ही आरएनए क्या करेगा, आरएनए एडिटिंग में हेल्प करेगा, मतलब इंसर्शन और डिलीशन ऑफ यूरिडीन बेस को करेगा, ठीक है। कैसे करेगा अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल आरएनए, क्यों, ये जो जीआरएनए है ना याद रखना ये स्मॉल आरएनए होता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, 30 से लेके 80 न्यूक्लियोटाइड ये लॉन्ग होता है, ठीक है। 30 से मिनिमम कितना होगा, 30 न्यूक्लियोटाइड होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 80 न्यूक्लियोटाइड का ये क्या होगा, इसका हम लोग बोलेंगे लेंथ होगा, किसका, जीआरएनए का, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्मॉल आरएनए भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जीआरएनए क्या होता है, तो जीआरएनए इज नथिंग बट इट इज इंट्रॉन, ठीक है, डिग्रेडेड इंट्रॉन या स्प्लाइस आउट इंट्रॉन, क्या मतलब है, मतलब ये देखो मैंने स्प्लाइसिंग के टाइम पर मैंने क्या बताया था, जब स्प्लाइसिंग मैंने बता रहा था, प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए बता रहा था, तो उसमें याद करो ये जो प्री एमआरएनए था ना, ये प्री एमआरएनए जो था उसके एक तरफ 5' कैप था और दूसरे तरफ क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, पॉली ए टेल था, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग स्टडी किए हैं, ठीक है, पॉली ए टेल था। अब देखो ध्यान से यहां पर क्या था, यहां पर ये जो प्री एमआरएनए है ना उसमें हम लोग बोलेंगे क्या था, इंट्रॉन, फिर क्या था एक्सॉन, फिर क्या था इंट्रॉन, फिर क्या था एक्सॉन, इंट्रॉन का सीक्वेंस था, याद कीजिए, ठीक है। मैंने बताया था ये क्या है, हम लोग बोलेंगे एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, ऐसे करके फिर इंट्रॉन होगा, ठीक है। तो इंट्रॉन जो होता है ना, इंट्रॉन जो होता है याद रखना है, इंट्रॉन हम इंट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट या नॉन कोडिंग एरिया, ये वाला, ठीक है। ये इंट्रॉन में भी क्या है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना ये वाला इंट्रॉन में भी, और ये नॉन कोडिंग होता है, ठीक है। इसीलिए इस इंट्रॉन को क्या कर किया जाता है, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस करके क्या किया जाता है, इस इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। तो ये सब क्या चीजें, देखो ध्यान से ये सब इंट्रॉन है, ठीक है, ये सब क्या इंट्रॉन है जिसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस आउट इंट्रॉन, ठीक है, स्प्लाइस आउट इंट्रॉन है, ये सब इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है। इसमें क्या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना, ये इंट्रॉन आरएनए का पार्ट है, तो इसमें क्या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये जो स्प्लाइस आउट इंट्रॉन होता है, यही इंट्रोन याद रखना, यही इंट्रोन हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, यही इंट्रोन गाइड आरएनए होता है, यही इंट्रोन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे गाइड आरएनए या जीआरएनए होता है। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जीआरएनए का, ये कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग के टाइम पे जो इंट्रोन बाहर निकल गया था, वही इंट्रोन क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे गाइड आरएनए का काम करता है, याद रखना। हालांकि ये इंट्रोन क्या चीज है, नॉन कोडिंग पार्ट है, तो इसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि ये कोई भी प्रोटीन को या अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंट्रॉन हट गया तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, ये इंट्रॉन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इट एक्ट्स एज गाइड आरएनए, ठीक है, और ये क्या करेगा, आरएनए एडिटिंग में हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इंट्रॉन का एक फंक्शन क्या चीज है, कि ये आरएनए एडिटिंग में हेल्प करता है। कैसा एडिटिंग, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग में हेल्प करता है, कौन, गाइड आरएनए या इंट्रॉन, ठीक है। वही मैंने यहां पर लिखा है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जीआरएनए इज नथिंग बट इट इज इंट्रॉन, डिग्रेडेड इंट्रॉन, डिग्रेडेड इंट्रॉन का मतलब हो गया जो स्प्लाइस आउट हो गया, जो इंट्रॉन बाहर निकल गया वो इंट्रॉन, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा, 30 से 80 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा इसमें, हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गाइड आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो सबसे खास बात क्या आता है,
जी आरएनए होता है ना उस वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो कि मैच करता है टारगेट आरएनए से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी आरएनए के पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो मैच करता है टारगेट आरएनए से, ये मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो ध्यान से, ये जो जी आरएनए होता है ना उसके पास लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एडिनिन रिच होता है जिसको पॉली ए रिच सीक्वेंस भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है क्या चीज में, आरएनए एडिटिंग में। तो एक चीज देखो ध्यान से, ये जो जी आरएनए है ना, ये जी आरएनए में क्या होगा, तो याद रखना ये जी आरएनए में एक लूप जैसा स्ट्रक्चर होगा। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लूप है, ठीक है, लूप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस लूप में क्या होगा, देखो ध्यान से, इस लूप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन 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 न्यूक्लियोटाइड होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉली ए रिच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली ए रिच क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस मिलता है किसमें, हम लोग बोलेंगे लूप में, किसमें, हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए में। तो याद रखना है जी आर एन ए में क्या होगा, क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे लूप के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हम लोग बोलेंगे पॉली ए रिच सीक्वेंस मिलेगा, और ये पॉली ए रिच सीक्वेंस ही क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करेगा, यूरिडीन क्या चीज इंसर्शन, यूरिडीन इंसर्शन या एडिशन भी बोल सकते हैं, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डिलीशन। याद रखना, यूरिडीन इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग में हेल्प करेगा, याद रखना है, यही पॉली ए रिच सीक्वेंस किसका, हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए का। हम लोग बोल रहे हैं जी आर एन ए क्या चीज में हेल्प कर रहा है, इंसर्शन डिलीशन, यूरिडीन इंसर्शन डिलीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, मतलब आर एन ए एडिटिंग में हेल्प कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए का कौन सा पार्ट हेल्प कर रहा है, याद रखना है पॉली ए रिच सीक्वेंस जो कि क्या चीज में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन इंसर्शन डिलीशन में हेल्प करता है। कैसे करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है जी आर एन ए में। और हम लोग बोलेंगे देखो ये वाला जो है जी आरएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो मैच करता है टारगेट आरएनए से, उसको मैं यहाँ पर इससे समझ में आ जाएगा कि जो जी आरएनए होता है ना उसके पास तीन पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो क्या चीज है, जी आरएनए है ना, जी आरएनए का अलग है तीन पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट को देखो, एक तरफ एक वाला पार्ट किस तरफ, हम लोग बोलेंगे थ्री प्राइम एंड के तरफ है, देख सकती है थ्री प्राइम एंड के तरफ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, थ्री प्राइम पॉली यू स्ट्रेच, पॉली यू स्ट्रेच, ठीक है। मैंने देखो लिखा है यहाँ पर, देखो क्या बोलेंगे हम लोग, थ्री प्राइम पॉली यू स्ट्रेच, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे यू 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 ऐसा करके रहेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो रीजन होता है, ये पहला रीजन हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए का, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पहला रीजन, ठीक है, पॉली यू स्ट्रेच थ्री प्राइम की तरफ, ठीक है। दूसरा जो देखो रीजन, दूसरा रीजन देखो ध्यान से, ये वाला मिडिल वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मिडिल वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग रीजन, एडिटिंग एडिटिंग रीजन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एडिटिंग रीजन बोलेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट हो गया ठीक है, जो फाइव प्राइम एंड की तरफ होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एंकर रीजन, एंकर रीजन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये तीन पार्ट होता है किसका ये तीन पार्ट होता है, हम लोग बोलते हैं जी आर एन ए का। जी आर एन ए कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, वन इज कॉल्ड क्या चीज, पॉली यू स्ट्रेच, जो कि प्रेजेंट होगा थ्री प्राइम एंड ऑफ क्या चीज, जी आर एन ए। मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एडिटिंग रीजन, यही एडिटिंग रीजन क्या चीज में हेल्प करेगा, आर एन ए एडिटिंग में हेल्प करेगा, हम लोग देखेंगे, जो कि पॉली ए रिच रहता है। और लास्ट वाला जो फाइव प्राइम एंड की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंकर रीजन। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं, हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जो जी आर एन ए होता है उसका तीन पार्ट होता है, पॉली यू स्ट्रेच टुवर्ड्स थ्री प्राइम एडिटिंग एरिया, जो कि एडिटिंग में हेल्प करेगा, और हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स फाइव प्राइम एंड क्या चीज, एंकर एरिया या एंकर रीजन, ठीक है। अब खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से, खास बात क्या चीज है कि ये वाला, ये जो गाइड आर एन ए ना उसको क्या करना है, ये गाइड आर एन ए को क्या करना है, ये गाइड आर एन ए को हम लोग बोलेंगे जो भी प्री एम आर एन ए बना है ना, देखो ध्यान से, जो भी प्री एम आर एन ए बना है, देखो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फाइव प्राइम थ्री प्राइम, ये क्या चीज है, प्री एम आर एन ए है, ठीक है। इसी mRNA में क्या करना है, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग करना है, ठीक है, ये प्री mRNA याद रखना है, या इसको हम लोग टारगेट mRNA भी बोल सकते हैं। टारगेट mRNA का मतलब हो गया वैसा mRNA जिसमें क्या करना है, एडिटिंग करना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जो टारगेट mRNA या प्री mRNA है ना, ठीक है, उस प्री mRNA से हम लोग बोलेंगे उस प्री mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री कौन RNA आएगा, उस प्री mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलेंगे कौन RNA आएगा। तो याद रखना है, उस प्री mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री रहता है कौन, हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जी आर एन ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्री mRNA या टारगेट mRNA, याद रखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया, देखो ध्यान से,
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहां से यहां तक जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्री प्राइम पोली, क्या चीज, यू स्ट्रेच, यही बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो टारगेट एमआरएनए या प्री एमआरएनए है उसके ये वाला पार्ट से, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मैच करेगा ये वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे बीच वाला, देखो बीच वाला जो पार्ट होता है ना किसका, गाइड आरएनए का, वो याद रखना है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है किसके, हम लोग बोलेंगे किसके, किसके, ये जो टारगेट एमआरएनए है या हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंकर रीजन, ना एंकर रीजन बोल रहे हैं, ये एंकर एंकर जो रीजन है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके, हम लोग बोलेंगे किसके, यहाँ पर जो भी सीक्वेंस होगा प्री एमआरएनए का उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, याद रखना। इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब एंकर एरिया जो होता है गाइड आरएनए का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, प्री एमआरएनए के, ठीक है। पॉली यू स्ट्रेच एरिया जो होता है गाइड आरएनए का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, हम लोग बोलेंगे किसके, प्री एमआरएनए या गाइड या टारगेट एमआरएनए। बस हम लोग बोलेंगे ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला एडिटिंग एरिया जो होता है किसका, गाइड आरएनए का, वही कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है किसके, हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए का या हम लोग बोलेंगे किसका, प्री एमआरएनए का। मतलब यहां पर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, ठीक है, ये सीक्वेंस और यहां पर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। सीक्वेंस मैच कहां करेगा, यहां पर करेगा, कहां पर करेगा, यहां पर करेगा, ये वाला एरिया पे सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, इसीलिए ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। वही मैंने यहां पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, पॉली यू स्ट्रेच जो होता है वो मैच करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट आरएनए के, ठीक है, पॉली यू स्ट्रेच, ठीक है। एडिटिंग एरिया इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट, ये देखो एडिटिंग एरिया जो ना ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा टारगेट एमआरएनए के या प्री एमआरएनए का। और 5 प्राइम जो एंकर एरिया है, देख सकते हैं 5 प्राइम जो एंकर एरिया है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसके, हम लोग बोलेंगे टारगेट किसका, टारगेट आरएनए या टारगेट एमआरएनए या प्री एमआरएनए के, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया। और एक यहां पर देखो ये जो लाइन लिखा हुआ, जीआरएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैचेस विद टारगेट आरएनए, इसका मतलब यही हुआ कि जीआरएनए के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो मैच करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए के साथ। आप लोग देख सकते हैं जीआरएनए का ये वाला पार्ट पॉली यू स्ट्रेच ये मैच करता है टारगेट आरएनए का ये वाला पार्ट से, जीआरएनए का एंकर रीजन मैच करता है टारगेट आरएनए का ये वाला पार्ट से, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, जीआरएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैचेस विद टारगेट आरएनए। लेकिन याद रखना जीआरएनए का ये वाला पार्ट एडिटिंग रीजन वैसा होता है जो कि मैच नहीं करता है किससे, हम लोग बोलेंगे टारगेट प्री एमआरएनए या हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए से, ठीक है। क्यों मैच नहीं करता, इसीलिए क्योंकि यही वाला पार्ट को क्या करना है, हम लोग बोलेंगे क्या करना है, ये जो पार्ट है टारगेट एमआरएनए का या प्री एमआरएनए का उस पर क्या करना है, या तो यूरिडीन को जोड़ना है या यूरिडीन को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। मतलब या तो इसमें यूरिडीन इंसर्शन होगा या यूरिडीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिलीशन होगा। इसीलिए ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एडिटिंग एरिया या एडिटिंग रीजन, और वो मिसमैच होता है किससे, हम लोग बोलेंगे टारगेट प्री एमआरएनए या टारगेट जो mRNA है उससे, ठीक है। यही मैंने लिखा है, तो gRNA के बारे में इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी को बेस्ड करके अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, इसका मेकानिज्म कि कैसे करके gRNA क्या करता है, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन का इंसर्शन करता है, इंसर्शन मेकानिज्म देखेंगे। इंसर्शन और डिलीशन बिल्कुल सेम है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंसर्शन और क्या चीज, यूरिडीन, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पर ये जितना भी लिखा हूँ, ठीक है, खासकर ये वाला पार्ट 1, 2, 3, ये जीआरएनए का जो तीन पार्ट होता है ना वो इंपॉर्टेंट है, वही रोल प्ले करेगा क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ जीआरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना जीआरएनए का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडिटिंग में, याद रखना जीआरएनए का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग पार्ट जो होता है जीआरएनए का, जिसमें लूप रहता है, पॉली ए रिच जो सीक्वेंस होता है वही हेल्प करता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग में या यूरिडीन के इंसर्शन में, इसको याद रखना है, ठीक है। कैसे करता है, जिसको हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ जीआरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग में, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन ये आता है कि जीआरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग कहां पर होता है, ठीक है। तो याद रखना इसका एग्जांपल एग्जाम में पूछता है, ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। कैसा प्रोटोजोआ, हम लोग बोलेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ,
ठीक है। और वो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ ट्राइपैनोसोमा में क्या होता है हम लोग बोलेंगे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे क्या होता है जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है कॉक्स टू जीन होता है। ठीक है, कॉक्स टू जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या बनेगा कॉक्स टू प्री एमआरएनए बनेगा। और ये जो प्री एमआरएनए बनाना मतलब ये प्री एमआरएनए बनेगा, यही प्री एमआरएनए में क्या क्या चीज जोड़ा जाता है हम लोग बोलेंगे यूरिडीन का इंसर्शन होता है। कितना यूरिडीन का इंसर्शन होता है 4 यूरिडीन का इंसर्शन होता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या चाहिए, दूसरा एग्जांपल हम लोग बोलेंगे स्लाइम मोल्ड जो होता है जो फंजाई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पाइसेरम पॉलीसेफालियम। ठीक है, यही बोलते हैं। इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आरएनए है ना उसमें भी हम लोग बोलेंगे जी आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग होता है। तो ये एग्जांपल को याद रखना है। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जी आरएनए जो है ना जी आरएनए जो है वो क्या चीज में हेल्प कर रहा है हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग में हेल्प कर रहा है, या कैसे करके जी आरएनए क्या कर रहा है यूरिडीन को इंसर्ट करा रहा है किसमें हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए में या टारगेट एमआरएनए में। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ गाइड आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ गाइड आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब भी कभी भी जी आरएनए क्या करता है आरएनए एडिटिंग को करता है ना तो याद रखना है ये जी आरएनए क्या करेगा टारगेट आरएनए में क्या करेगा या तो यूरिडीन को जोड़ेगा या यूरिडीन को क्या करेगा डिलीट करेगा। अगर यूरिडीन को जोड़ता तो हम लोग क्या बोलेंगे यूरिडीन इंसर्शन, अगर यूरिडीन को डिलीट करता तो हम क्या बोलेंगे यूरिडीन डिलीशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है टारगेट एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जी आरएनए को काम करने के लिए जी आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग मैकेनिज्म में हम लोग बोलेंगे टोटल 4 इवेंट्स होता है, देख सकते हैं ये पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट, ये तीसरा इवेंट और ये चौथा इवेंट। ठीक है, कैसे करेगा तो देखो सबसे पहला इवेंट में क्या होगा हम लोग बोलेंगे आरएनए हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा या हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टारगेट आरएनए विद गाइड आरएनए। क्या मतलब है, मतलब देखो ये चीज यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से ये क्या चीज है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे मान लीजिए टारगेट एमआरएनए। ठीक है, ये क्या चीज है टारगेट एमआरएनए जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से यहां पर समझिएगा बहुत आसान है, ये क्या चीज है टारगेट एमआरएनए। ठीक है, देख सकते हैं एक तरफ क्या होगा टारगेट एमआरएनए का 5 प्राइम एंड होगा, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड होगा, या इसको हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं प्री एमआरएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टारगेट एमआरएनए भी बोल सकते हैं, टारगेट एमआरएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही है टारगेट एमआरएनए। तो सबसे पहला क्या होगा हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं ये सब क्या हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए में क्या चीज है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सब क्या न्यूक्लियोटाइड्स है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा हम लोग बोलेंगे सबसे पहला स्टेप जी आरएनए मेडिएटेड आरएनए एडिटिंग में क्या होगा कि टारगेट एमआरएनए और हम लोग बोलेंगे जी आरएनए के बीच में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है जी, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो जी आरएनए है, देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ जी आरएनए को। ठीक है, आप देख लेना मैं यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ जी आरएनए को। ठीक है, ये क्या चीज है जी आरएनए 3 प्राइम 5 प्राइम, देख सकते हैं इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या चीज है ये वाला, क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज है ये वाला पोली यू स्ट्रेच है। ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे इसमें क्या रहेगा एडिनिन, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पोली ए रिच सीक्वेंस है। ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट है एडिटिंग एरिया पर प्रेजेंट है ऑफ जीआरएनए। और इस तरफ क्या चीज देख सकते हैं, ये वाला क्या चीज है हम लोग बोलेंगे क्या चीज है ये वाला पार्ट क्या चीज है एंकर एरिया, ये वाला क्या है हम लोग बोलेंगे जीआरएनए गाइड आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ दोनों को दोनों आरएनए जो है मतलब प्री एमआरएनए या टारगेट एमआरएनए गाइड आरएनए वो क्या हो गया हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो गया, दोनों चूंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना तो दोनों आसानी से क्या हो गया दूसरे के सामने आ जाएगा और क्या चीज का फॉर्मेशन होगा हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड आरएनए का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आरएनए क्या चीज हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड फॉर्मेशन। ठीक है, ये हाइब्रिड फॉर्मेशन या इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या चीज टारगेट एमआरएनए एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे जी आरएनए। ठीक है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसीलिए क्योंकि याद रखना है कि ये जो जी आरएनए होता है ना उसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके टारगेट एमआरएनए के, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज एंकर, ये एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे एडिटिंग पार्ट ऑफ क्या चीज जी आरएनए। इसीलिए पहले में क्या होगा सबसे पहले स्टेप में क्या होगा दोनों ये आरएनए का क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों दूसरे के क्लोज आ जाएगा बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज जी आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री विद क्या चीज टारगेट एमआरएनए एक्सेप्ट एडिटिंग ये एरिया ऑफ जी आरएनए। ठीक है, अब देखो ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ आरएनए आरएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ टारगेट एमआरएनए का
किसके साथ हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए के साथ। एक बार देखो ध्यान से, एक बार ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया ठीक है, वो सिग्नल होता है एंजाइम को, जो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइट स्पेसिफिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंडोन्यूक्लियस, साइट स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को सिग्नल मिलता है। Once the RNA hybrid formation is accomplished, then it gives to signal to हम लोग बोलेंगे site specific endonuclease। अब देखो नाम से लग रहा है site specific endonuclease है ना, endonuclease याद रखना ये किसको कट करता है, हम लोग बोलेंगे phosphodiester bond को कट करता है। Site specific का मतलब हो गया particular site पे ठीक है। तो देखो क्या करता है, चल ये जो endonuclease है ना, वो endonuclease हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो ये जो टारगेट एमआरएनए है ना, ये टारगेट एमआरएनए में हम लोग बोलेंगे ये पर्टिकुलर साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे ये एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। तो कौन सा साइट, तो देखना ध्यान से देखो कौन सा साइट हम लोग बोलेंगे, जस्ट ये पॉली ए रिच सीक्वेंस है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडिटिंग रीजन बोल रहे हैं जी आर एन ए का। इसके जस्ट ऊपर में देखो ध्यान से, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो इसके जस्ट ऊपर में ये वाला, इसको क्या करेगा हम लोग बोलेंगे कट करेगा। कौन कट करेगा, साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस ठीक है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बीच में कट करेगा ठीक है। साइट स्पेसिफिक का मतलब हो गया पॉली ए रिच सीक्वेंस जो जीआरएनए में प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे जो एडिटिंग रीजन है जीआरएनए का, उसके जस्ट ऊपर वाला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा उसको क्लीव करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस ठीक है। तो डायग्राम कैसा दिखेगा देख सकते हैं ठीक है। डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट गया ठीक है, ऐसे करके कट गया देखो ध्यान से, तो ऐसे दिखेगा ये क्या चीज है 3 प्राइम ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला है हम लोग बोलेंगे क्या चीज, गाइड आरएनए, ऐसे दिखेगा देखो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, गाइड आरएनए ऐसे करके ठीक है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है ठीक है। यहाँ पर ये सीक्वेंस मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके ठीक है, ये सीक्वेंस को मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये सब ठीक है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे कहाँ पर, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ये एडिटिंग एरिया, ये वाला एरिया पे ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो गया, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो गया यहाँ पर देख सकते हैं आप ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो गया, क्यों कट हुआ, बिकॉज ऑफ साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉली ए रिच सीक्वेंस है ये यहाँ पर रहेगा ऐसे करके ठीक है, ये तो यहाँ पर रहेगा ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर समझिए, जैसे ही हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा ना, तो ये वाला जो ये जो स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड क्या होगा, स्ट्रेच होगा ठीक है, स्ट्रेच होगा, तो ये वाला जो लूप है वो खुल जाएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि बॉन्ड कट गया ना, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड कट गया, तो बॉन्ड कट गया तो क्या हो गया, ये वाला जो ये जो बॉन्ड कट गया, तो ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो हट गया, तो अब ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा ठीक है। और ये वाला स्ट्रैंड जब स्ट्रेच होगा, तो ये दोनों जो स्ट्रेच होगा ना, दोनों स्ट्रैंड जो स्ट्रेच होगा ना, स्ट्रेच होगा क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट गया ठीक है। तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा हम लोग बोलेंगे, स्ट्रेचिंग होगा ठीक है, ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रेचिंग ऑफ क्या चीज, बोथ दिस स्ट्रैंड, एक्चुअल में ये स्ट्रैंड स्ट्रेच करेगा, लेकिन दोनों स्ट्रैंड होगा क्या होगा, स्ट्रेच होगा, क्योंकि क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रेचिंग ऑफ, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेचिंग ऑफ क्या चीज, आरएनए स्ट्रैंड्स ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ा सा गैप बन जाएगा ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैप ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, गैप बोलेंगे ठीक है। गैप बन गया, देख सकते हैं ये क्या चीज है, 3 प्राइम ठीक है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, देखो ये स्ट्रेच हो गया ऐसे करके ये क्या चीज है, 3 प्राइम, ये क्या चीज है, 5 प्राइम, और जहां पर देखो यहाँ पर ये जब स्ट्रेच हो रहा, तो ये वाला एरिया जब ऐसे करके ये जब स्ट्रेच हुआ, तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला एडिनिन, ये एडिनिन, ये वाला एडिनिन, और हम लोग बोलेंगे ये वाला एडिनिन ठीक है। देख सकते हैं ये एडिनिन ऐसा दिखेगा ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ठीक है, ये सब ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये सब ठीक है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज क्रिएट हो गया, हम लोग बोलेंगे गैप क्रिएट हो गया
तो अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन, यूरिडीन, यूरिडीन को क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंसर्शन ऑफ क्या चीज, इंसर्शन ऑफ यूरिडीन, ठीक है, इंसर्शन ऑफ यूरिडीन बेसिस, ठीक है। तो कितना यूरिडीन हम लोग बोलेंगे, 1, 2, 3, 4 यूरिडीन बेस का क्या होगा, यहाँ पर इंसर्शन होगा, ठीक है। इसका तो इंसर्शन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं टूटेज, ठीक है। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्शन ऑफ टूटेज, ठीक है, देख सकते हैं एक्शन ऑफ टूटेज, या इसका दूसरा नाम क्या चीज, इसका दूसरा नाम है यहाँ पर देखो मैंने लिखा है यहाँ पर टर्मिनल यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंड एडिशन ऑफ यूरिडीन बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन एंजाइम काम करेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, टूटेज एंजाइम काम करेगा, और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, यूटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो टूटेज टूटेज एंजाइम है ना, टर्मिनल यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, यूटीपी से यूरिडीन को निकाल के क्या करेगा, यहाँ पर लाके क्या करेगा, यहाँ पर लाके रखेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे टूटेज एंजाइम, ठीक है। तो ये पहला था आरएनए, आरएनए हाइब्रिड फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ क्या चीज, साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस, ये दूसरा ये है स्टेप है, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा स्टेप है, देख सकते हैं क्या चीज, एक्शन ऑफ टूटेज, मैं यहाँ पर बस इतने लिख रहा हूँ, एक्शन ऑफ टूटेज एंजाइम, ठीक है, ये वाला तीसरा स्टेप, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यूरिडीन बेसिस, ठीक है, ये तीसरा स्टेप। तो अब देखो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसके बाद बता रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड कौन सा, हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रैंड है ना, याद रखिए ये प्री एमआरएनए वाला स्ट्रैंड है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट एमआरएनए स्ट्रैंड है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या चीज है, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो प्री एमआरएनए स्ट्रैंड है, या हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए स्ट्रैंड है, याद रखना है। और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो कौन सा स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे नीचे वाला स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, gRNA स्ट्रैंड या गाइड RNA स्ट्रैंड, नीचे वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, gRNA स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देख सकते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये मैंने बनाया गाइड RNA को 3', यहाँ पर क्या चीज है 5', यहाँ पर एडिनिन, बस इतना दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर में क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये 5', ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3', ये वाला क्या चीज गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर जो ऐड होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यूरिडीन, ठीक है। कौन ऐड करेगा, हम लोग बोलेंगे टूटेज एंजाइम। तो यहाँ पर पहला यूरिडीन को ऐड किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 यूरिडीन को ऐड किया, ठीक है, कौन, टूटेज एंजाइम, ठीक है। क्या किया, यूरिडीन को ऐड किया, कौन, हम लोग बोलेंगे कौन ऐड किया, टूटेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है ये सब, ये वाला भी क्या होगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, ठीक है। ये इसके बाद हुआ, अब देखो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, ये जो निक होगा ना, ठीक है, निक, ये देखो ये वाला को हम लोग बोलते हैं निक, ठीक है, ये निक हो गया, ये वाला क्या हो गया, निक हम लोग उसको बोलते हैं, देखो निक किसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा पहले, देख लो यहाँ पर जो निक होगा ना, निक्स आर sealed by RNA ligase, क्योंकि RNA में काम हो रहा है, इसलिए RNA ligase, ठीक है। तो RNA ligase क्या करेगा, देखो ध्यान से, RNA ligase क्या करेगा, यहाँ पर जो निक है और यहाँ पर जो निक है उसको सील कर देगा, देखो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये निक को क्या किया, RNA ligase सील कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, ए ए ए ए, और यहाँ पर क्या चीज है, देख सकते हैं आप, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूरिडीन, ठीक है, यूरिडीन, ठीक है ना। और ये निक देख सकते हैं, इसको सील कर दिया गया है, किसके थ्रू सील कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए लाइगेज के थ्रू सील कर दिया गया है, ठीक है। और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है,
ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस होगा वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके, ठीक है। नीचे वाला गाइड आरएनए है, ये क्या चीज़ है, जी आरएनए है, जी आरएनए है, ठीक है, ये वाला, और ऊपर वाला क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, ऊपर वाला क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए, प्री एमआरएनए या टारगेट एमआरएनए भी बोल सकते हैं, या टारगेट एमआरएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्या चीज़ है, प्री एमआरएनए, या क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टारगेट एमआरएनए, ठीक है। अब देखिए निक का मतलब क्या चीज़ है, निक का मतलब याद रखना, देखो क्या होता है निक और गैप में क्या डिफरेंस होता है ना, हम लोग बोलेंगे निक का मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, ये मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मान लो ये मान लो चौथा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये वाला देखो, ये सब क्या चीज़, ये पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। निक का मतलब होता है कि केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर हटेगा, रिमूवल होगा, ठीक है, केवल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का रिमूवल होगा और कोई भी हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे निक। निक में बस एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा और हम लोग बोलेंगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे निक, ठीक है। और गैप का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, गैप का मतलब क्या होता है, गैप का मतलब मान लो ये ए है, सी है, सी है, मान लो, ठीक है, ये यही है सीक्वेंस। तो यहाँ पर गैप का मतलब ये होगा कि एक से ज्यादा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट होगा, ठीक है, देख सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कट हो गया, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो गया, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो गया, और क्या होगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो तो क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है न्यूक्लियोटाइड में, गैप्स में, ठीक है, गैप में, और निक में हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो रहा है, कोई भी रिमूवल नहीं हो रहा है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, तब हम लोग बोलेंगे निक। तो यहाँ पर देखो, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे निक, ये वाला जो, ये वाला क्या चीज है, निक, इसी को सील करता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए लाइगेज, क्योंकि ये आरएनए है इसीलिए, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, मैं यहाँ पर बिठा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अब क्या हो गया, देखो अब ये होगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्री एमआरएनए है ना, ये टारगेट एमआरएनए है ना, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें यूरिडीन का क्या हो गया, इंसर्शन हुआ ना, यूरिडीन इंसर्शन बिफोर, किसकी वजह से हुआ, जी आरएनए की वजह से हुआ। इसका मतलब यहाँ जितना भी हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना प्री एमआरएनए का, वो क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। अब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो बट ओके से उससे जो प्रोटीन बनेगा वो क्या होगा, बिल्कुल अलग प्रोटीन बनेगा और वो डिफरेंट फंक्शंस को करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देख सकते हैं, अब हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए हेलिकेज, एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए हेलिकेज। ये आरएनए हेलिकेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये आरएनए हेलिकेज क्या करेगा, ये देखो, ये जो एडिटेड, ये अब तो यूरिडीन चूंकि जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए या टारगेट एमआरएनए, या खास नाम से क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए। सबसे अच्छा क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एडिटेड एमआरएनए के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये जो एडिटेड एमआरएनए है और ये जी आरएनए उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा कौन, आरएनए हेलिकेज, कैसे करके, तो यहाँ पर जितना भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, बेस पेयर के बीच में बेस पेयर के बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा उसको ये क्या कर देगा, आरएनए हेलिकेज डिसॉल्व कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये दोनों स्ट्रैंड अब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रैंड देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये वाला, ठीक है, ये वाला 5', और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3', ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हुआ है, यूरिडीन का क्या हुआ है, इंसर्शन हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडिटेड क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, ठीक है। ये अलग हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला देखो, ये गाइड आरएनए में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये अलग हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ये 3', 5', ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ए ए ए ए, ऐसे करके 3', ठीक है, दोनों अलग हो गया, देख सकते हैं, ये वाला स्टैंड ये वाला है, ये वाला स्टैंड ये वाला है, ठीक है। अब ये जो गाइड आरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, इट इज डिग्रेडेड, ठीक है, गाइड आरएनए को डिग्रेड कर दिया जाता है। और देखो ध्यान से, ये जो एडिटेड एमआरएनए है ना, अब ये एडिटेड एमआरएनए क्या चीज में इन्वॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो भी, देखो यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा गाइड आरएनए का, यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, आप देख सकते हैं ये इंसर्शन ऑफ यूरिडीन की वजह से कंप्लीट जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कोडोन का नेचर चेंज हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और रीडिंग फ्रेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन का नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ जी आरएनए मेडिएटेड क्या चीज, आरएनए एडिटिंग, याद रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था दो एग्जांपल, जो कि कहाँ देखा गया था वो मैंने बताया, और यही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया क्या चीज के बारे में, यूरिडीन इंसर्शन के बारे में, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे सब कुछ सेम होगा यूरिडीन डिलीशन के टाइम पे, ठीक है।
तो ये मेनली एग्जाम में पूछता है, हम लोग बोलेंगे जी आर एन ए मेडिटेड यूरिडीन इंसर्शन, तो वही मैंने यहाँ पर बताया यूरिडीन इंसर्शन मेकानिज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट एम आर एन ए जो है या एडिटेड एम आर एन ए देख सकते हैं, उसमें न्यूक्लियर डेटा सीक्वेंस बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये खत्म होता है, आप लोग बोलेंगे क्या चीज, द मेकानिज्म ऑफ जी आर एन ए मेडिएटेड आर एन ए एडिटिंग। तो ये आर एन ए एडिटिंग का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। इसमें हम लोग क्या केस स्टडी किए, आर एन ए एडिटिंग क्या होता है, आर एन ए एडिटिंग कब होता है, आर एन ए एडिटिंग कहाँ होता है, किस टाइप के सेल्स में आर एन ए एडिटिंग देखने को मिलता है, टाइप्स ऑफ आर एन ए एडिटिंग क्या होता है, इसमें दो टाइप्स है जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देखा, मैकेनिज्म ऑफ आर एन ए एडिटिंग क्या होता है हम लोगों ने देख लिया दोनों टाइप्स का, और हम लोगों ने क्या देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ आर एन ए एडिटिंग ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये कम्प्लीट खत्म होता है आर एन ए एडिटिंग, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहीं तक रखता हूँ, अगले के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।